हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि हेयर प्रॉब्लम के बारे में बताइए, आप हेयर्स पे क्या यूज़ करती हैं वो बताइए। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, तो कौन सा ऑयल लगाते हैं, कौन सा शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर कौन सा लगाते हैं, या अपने बालों के लिए कौन सा मास्क अप्लाई करें, मतलब ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे। और बहुत दिन से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने हेयर्स के बारे में बताइए, मतलब क्या क्या आप यूज करते हो। और मेरी डॉटर्स के हेयर, मैंने हेयर कट डाला था अपनी डॉटर का, तो उस पर देख के मेरे डॉटर के हेयर भी काफ़ी लॉन्ग है, तो इसलिए आप सब लोगों ने ही रिक्वेस्ट करी थी, तो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए खास। तो और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे को ज्वाइन बटन मिल गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, क्योंकि वो ना ज़्यादातर लोगों को मिलता नहीं है, क्योंकि वो 30,000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही मिलता है ज़्यादातर, लेकिन किसी किसी को यूट्यूब देता है, तो मैं वो खुश नसीब हूँ जिसे ज्वाइन बटन मिल गया है 30,000 सब्सक्राइबर से पहले। मुझसे भी ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जिन लोगों के, बहुत सारे हैं ऐसे क्रंचर्स, तो मैं तो फिर भी बहुत पीछे हूँ अभी अभी, तो मैं उनके मुकाबले में आधी भी नहीं पहुँची हूँ जिनकी मैं बात कर रही हूँ। और आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग इतनी सारी वीडियोस देखते हो कि बहुत बहुत सारे लोग हैं जिनके मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी उनको ज्वाइन बटन नहीं मिला है। लेकिन मैं यूट्यूब को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इस लायक उन्होंने मुझे समझा कि मेरे को ज्वाइन बटन दिया। तो और बस ज़्यादा बात नहीं करती मैं, बस मेरे को ये बोलना था। और हाँ, एक बात ये थी कि मेरा जो पुराना वाला चैनल था मेकअप एंड फैशन, उसका नाम मैंने चेंज कर दिया है, उसका नाम मैंने अब रखा है ना माई मिक्स शॉर्ट वीडियोस, ठीक है? तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर मैं छोटे छोटे वीडियो डालूंगी, आप लोग उस पर भी उठा प्यार दिखाइए। दो दो मिनट की वीडियो तो आप लोग देख ही सकते हो, मैं उसमें बहुत बड़े बड़े 10-15-20 मिनट की वीडियो नहीं डालूंगी, सिर्फ दो दो मिनट की, एक एक मिनट की वीडियो बस इतना ही डालूंगी। तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर भी अपना ऐसा ही प्यार दिखाइएगा, और उस चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है? तो अब मैं शुरू करती हूँ अपनी वीडियो। तो मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि शैम्पू सबसे पहले ज़रूरी है हमारे बालों के लिए, तो मैं शैम्पू यूज करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये देखिए, ये वाला देख लीजिए अच्छे, ये है वीजल का हेयर, वीजल होम्योपैथी अर्निका हेयर स्कैल्प ट्रीटमेंट, ये आयुर्वेदिक शैम्पू है, बहुत अच्छा शैम्पू है ये। हम सब, मतलब मैं और मेरी डॉटर्स इसी शैम्पू को यूज करते हैं, ना तो इससे हेयर फॉल होता है, बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होगा, बिल्कुल रोक देगा, आपके बालों को इतना सिल्की, इतना शाइनी बना देगा, और थोड़े थोड़े स्ट्रेट भी रखेगा, ऐसे नहीं उलझे उलझे रखे, बिल्कुल सुलझे सुलझे बाल रहेंगे, बहुत ही अच्छे बाल कर देता है, कोई कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इसे यूज करेंगे तो। और बहुत ही बढ़िया शैम्पू है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ आयुर्वेदिक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है मिलावटी। इसका कलर ग्रीन है, ग्रीन कलर का है ये, क्योंकि इसमें आंवला भी है, मतलब इसमें वो हर चीज़ है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये शैम्पू मेरे हिसाब से, अभी तक मैंने बहुत सारे शैम्पू करे हैं यूज, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे तब तो काफ़ी ठीक हो गए, नहीं तो बहुत पतले बाल हो गए थे। फिर मैं सोचा मैं यही ऐसे बेकार से शैम्पू यूज करती रहूँगी, तो कल को मेरे डॉटर्स के हेयर ना ख़राब हो जाए, मेरा तो कोई बात नहीं, चलो अब जो हो गया होगा। फिर मैंने ये, मेरे को बताया था किसी ने, डॉक्टर से मैंने पूछा था, तो उन्होंने मेरे को बताया था ये शैम्पू मैं तभी से यूज कर रही हूँ, और मेरे बाल अब थोड़े घने से भी हो गए हैं, देखो सिल्की और स्ट्रेटनेस तो आप देख ही रहे हो इनकी, मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा कर्ल थे, फिर मैंने इनको स्ट्रेट कराया था, लेकिन एक साल हो गया मैंने कुछ नहीं कराया, फिर भी मेरे बाल बढ़िया हैं अभी, कोई मतलब मुड़े थोड़े नहीं हैं, एकदम ठीक बाल हैं अभी भी मेरे, बहुत ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से। इस शैम्पू को लगाने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, जैसे कि मतलब हेयर मास्क हो गया, या मतलब और भी चीज़ें जो लोग करते रहते हैं, और ये आपके बालों को काला भी रखता है, ठीक है? अब मैं दिखाती हूँ मैं ऑयल कौन सा यूज करती हूँ। तो ये तो था शैम्पू, अब मैं आपको ये बताती हूँ यूज तेल का। तो मैं तेल भी ये ही, इसी के साथ का, ये वीजल का ही ऑयल यूज करती हूँ, हेयर ऑयल, ये भी होम्योपैथी जेबरेंडी, इसका नाम जेबोरेंडी है, देखिए वीजल का होम्योपैथी जेबरेंडी हेयर ऑयल, ठीक है? ये हेयर ट्रीटमेंट है, और इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, हेयर फॉल नहीं होगा, डैंड्रफ नहीं होगा, देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नो हेयर फॉल, नो डैमेज हेयर, मतलब कुछ नहीं होगा इसको अगर आप लगाओगे तो। और वाकई ही और यूज करके देख चुकी हूँ, तभी आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑयल है ये, मैं
फिर से बोलना चाहूँगी, अपने घर में यही यूज करती हूँ, आप लोग पूछ रहे थे इसलिए मैंने बताया आप लोगों को। और इसको कैसे यूज करना है, वही जैसे आप नॉर्मल ऑयल यूज करते हो, जिस दिन आप हेयर वॉश करोगे उस दिन या तो आप नाइट में लगा के सो जाइएगा अच्छे से मसाज करके, या फिर आप हेयर वॉश करने से कम 2 घंटे पहले इसको अच्छे से हेड पे मसाज कर लीजिएगा। और हफ्ते में 2 दिन तो ज़रूर ही करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं ऑयल का, लेकिन फिर भी हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज करना चाहिए हमें ऑयल, और फिर हेयर वॉश कर लेना बस, और कुछ भी नहीं करना। और इसके साथ ही हेयर स्कैल्प के पाउच हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, इनको भी आप यूज करिएगा, इनसे भी बहुत ही फ़र्क पड़ता है आपके हेयर्स पे। तो इनके प्राइस क्या हैं, ये 350 का है, वो भी 350 का है, और ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ मिलेगा नहीं, मैंने भी बहुत ढूंढा था नहीं मिला, ये बहुत बड़ी आयुर्वेदिक शॉप से पता नहीं कहाँ से मेरे हस्बैंड ने मेरे को ये ला के दिया था, और फिर ऑनलाइन ढूंढा था तब ऑनलाइन भी नहीं मिला था, अब लेकिन ये ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है, आप इसको फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लें, और मुझे लग रहा है शायद ये फ्लिपकार्ट थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाएगा, मैंने शायद देखा था ये मैं शॉप से ख़रीद के लाए थे मेरे हस्बैंड, ये 350 का था और शैम्पू भी 350 का था, और मुझे लग रहा है शायद मैंने ऑनलाइन इसको थोड़ा सा सस्ता देखा था, कम प्राइस थे इसके शायद उस पर, और दो लेने पे तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा जैसा आपको लेना है, लेकिन यही है। और पूछे थे लोग कि मतलब हेयर ग्रोथ के लिए और मतलब हेयर जो टूटता है उसके लिए और क्या करना है, तो पहली बात तो इसको लगाने के बाद आपको कुछ और यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर सेकंड ये है कि आप हफ्ते में कम से कम एक बार अनियन को घिस कर, मतलब उस कद्दूकस कर लें, ग्रेट करके उसको निचोड़ लें या छान लें उसको, और स्कैल्प पे मसाज करें उसकी, वही जैसे ऑयल यूज करते हैं, 2 घंटे बाद हेड वॉश कर दें अपना, और आप देखेंगे सच में आप यकीन मानेंगे, जब आप यूज करेंगे ना आप खुद देखेंगे अपने हेयर्स को कि कितने अच्छे, उससे सिल्की एकदम स्मूद एकदम बढ़िया एकदम, बस मैं क्या बताऊँ इतने अच्छे उससे हेयर हो जाते हैं। ये मैंने यूज करा है अपनी बड़ी वाली डॉटर के हेयर पे, कैसे यूज करा है वो ये कि वो छोटी थी तो पता नहीं कैसे उसको बाल तोड़ने की आदत हो गई थी, वो पढ़ती रहती थी ना तो ऐसे काम करते करते वो ऐसे बाल ना तोड़ती रहती थी अपने, तो उसने इतने बाल तोड़ दिए थे, बहुत डांटा मैंने क्या करें मानता नहीं है बच्चा, तो उसने अपने पूरे सर के बाल उखाड़ दिए थे, सिर्फ उसके इतने से बाल बचे थे यहाँ, और इतने लंबे बाल थे उसके इतने लंबे यहाँ तक आते थे इतने लंबे। फिर मैंने उसको दोबारा से उसका गंजा नहीं कराया था क्योंकि उसने मुझको कराने दिया था, मैं कराना चाहती थी उसके हेयर सारे हटा देना चाहती थी, लेकिन क्योंकि बहुत बेकार कर लिए थे, फिर मैंने यही किया था अनियन को उसके स्कैल्प पे खूब मसाज किया अच्छे से, तो उसके बाल अब आप लोग देख ही चुके होंगे मेरे वीडियोस में कितने अच्छे हो गए हैं, वापस लंबे भी हो गए हैं, बहुत ही अच्छा ये घरेलू नुस्खा है जो। और अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते कि हमें अनियन का रस नहीं लगाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो आप मामाअर्थ के प्रोडक्ट यूज करते हैं कर सकते हैं, वो अनियन वाला उसके पास शैम्पू कंडीशनर ऑयल भी मिलता है, आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ये कि इतना अनियन का रस आपको शैम्पू में ऑयल में थोड़ी ना मिलेगा, एक अनियन का रस अगर आप हेड पर मसाज कर लेते हो तो एक अनियन का रस आपको मिल जाएगा क्या शैम्पू में ऑयल में, नहीं मिलेगा ना, तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट पे ना जाके अपने होम रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन भी और हेयर्स भी सब कुछ अच्छा ही रहेगा। तो ये मैंने सिर्फ वीडियो अपने हेयर्स के ऊपर बनाई थी, लोगों ने मुझसे स्किन के बारे में भी पूछा है, बहुत सारी रिक्वेस्ट उसकी भी, तो किसी दिन जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा मैं आप लोगों के लिए स्किन केयर की भी वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है, और मेरी छोटी वाली डॉटर के हेयर की फ़ोटो और बड़ी वाली के और मैं खुद के भी, क्योंकि अब तो मैंने बाल बांध रखे मैं आपको दिखा नहीं सकती, पिक्चर लगा दूंगी आप देख लीजिएगा। और मैं कुछ भी यूज नहीं करती, और मैं कुछ और यूज करती ही नहीं हूँ, सिर्फ ये 2 ही चीज़ें हैं जो हम यूज करते हैं, मैं और मेरी डॉटर, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जो हम अपनी हेयर प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर से पूछ के मैंने ये यूज करना शुरू करा था। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने अपने आप यूज कर लिया या ऐसे कोई साइड इफेक्ट होगा कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होने वाला, बहुत ही अच्छा है यकीन मानिए मेरा, और ये मैंने डॉक्टर की सलाह से ही लिया था, ठीक है, तो बस, और मुझे ज़्यादा लगता नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ और बताऊँ, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और देख लीजिएगा ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा, ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, और अपना ध्यान रखिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का लिंक है, प्लीज़ उसे भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, उस पर मैं क्रिंच वीडियो भी डालूँगी, मिक्स करके वीडियो डालूँगी, और देख लीजिएगा आपको जैसा भी मतलब अगर आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा, बाय फ्रेंड्स।